इस भरोसे और विश्वास के साथ बैठना, क्योंकि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में प्यारे, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं विश्वास में समाया हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, मैं तुम्हारे वात्सल्य में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी उपासना में बसा हुआ हूँ। इसलिए भरोसा करोगे तो सब आनंद प्राप्त होगा। ये देवी भागवत कथा आपको उतना मजबूत बनाएगी कि आप फिर कभी कमजोर ना पड़ो, किसी अवस्था में कमजोर ना पड़ो। आपके स्वरूप का बोध कराती है देवी भागवत कथा, आपकी विराटता का दर्शन कराती है देवी भागवत कथा। स्वयं भगवती का स्वरूप ही सब में विद्यमान है, यह बताती है देवी भागवत कथा। साधुत्व, ऋषित्व, श्रेष्ठत्व विराजमान है, यह बताती है कथा। छोटे छोटे से कष्टों से, थोड़े थोड़े से दुखों से जो विचलित और दुखी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए देवी भागवत कथा प्रकट हुई है इस प्रांगण में। कौन भला इस धरती पर ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट ना हो? एक व्यक्ति भी ऐसा इस धरती पर नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। ये जीवन है तो दुख है, ये शरीर है तो ये दुख है, लेकिन दुख होने के बाद भी जो दुखी ना हो वही भगवती का उपासक है। दुख तो होंगे, अंधेरा तो होगा, कष्ट तो होंगे, लेकिन आपको फिर भी चलना है, फिर भी बढ़ना है, फिर भी डटे रहना है, फिर भी खड़े रहना है, फिर भी मुस्कुराना है, फिर भी चलते रहना है, फिर भी विश्वास कम नहीं करना, भरोसा तोड़ना नहीं, फिर भी किसी अवस्था में कमजोर नहीं पड़ना है। इसी को कहते हैं देवी भागवत कथा, जो आपको मजबूती दे। और यही इस कथा का महात्म स्वरूप है, श्री कृष्ण कथा। और वो मणि की कथा को इसीलिए लिया है कि आप तो ये कहते हो कि ये दुनिया वाले अपशब्द बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। आपकी बात छोड़ो, भगवान के साथ जिन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, आरोपित किया, दंडित किया, यहाँ जो आया उसने अपमान झेला ही। बड़े से बड़े ऋषि हो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे भगवान का अवतार हो, और चाहे माँ भगवती ने जिस भी रूप में अवतार लिया हो, वो काली बनी हो, चंडिका बनी हो, दुर्गा बनी हो, उसको बनना ही इसलिए पड़ा क्योंकि सामने थे ही राक्षस। उसको वो स्वरूप इसलिए धारण करना पड़ा, तो कष्ट सबके सामने खड़ा किया है, लेकिन कष्टों का निवारण भी साक्षात भगवती बनी है। कष्ट होंगे पर कष्टों से विचलित नहीं होगा। भगवती को दुर्गा, भवानी, आदि शक्ति, आदि महाकाली कहा है, खप्पर वाली कहा है, दुष्टों के दमन के लिए साक्षात मां खड़ी हो जाती है। तो महात्मा की कथा बता रही है किसी अवस्था में कमजोर नहीं पड़ना, बस भरोसा करके रखना, बस उसके सेवक बन जाना, उसकी ही गुलामी करना जिसको देवी भगवती कहा है। अरे नौकरी भी करनी है तो देवी मैया की करो, भगवती की उपासना करनी है तो शक्ति की करो, और यदि गुलामी ही करनी है तो महाशक्ति की करो। किसी व्यक्ति की गुलामी करने से मिलेगा भी क्या, लेकिन जब साक्षात भगवती के भाव में प्रकट होकर के हमने उस अपने आप को दासत्व से स्वीकार कर लिया तो सब बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हमने एक की गुलामी स्वीकार कर ली, जिसे देवी माँ कहा है, मातृ स्वरूप कहा है, भगवती कहा है, तो फिर सारी गुलामी, सारे बंधन से हम आजाद हो जाएंगे, नहीं तो जीवन भर बंधनों में ही पड़े रहने वाले। इन सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने आई है भागवत कथा। आज प्रथम दिन है ना इस देवी भागवत का,
इसलिए पहले ये जान लो कि हमारे बंधन कैसे हैं, फिर बंधनों से मुक्ति का बोध भी कथा दे देगी। बहुत से लोगों को बंधनों का ही नहीं पता है कि हमारे जीवन में बंधन कैसे। हम तमाम आदतों के गुलाम हैं, तमाम बुराइयों के गुलाम हैं, बुरी आदतों के गुलाम हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम तमाम ऐसे दूषित विचारों के गुलाम हैं। आओ, गुलामी करनी है तो देवी माँ की करो, ताकि हमारे दूषित विचार, हमारा चंचल मन, हमारी तमाम वृत्तियाँ और इंद्रियाँ सब माँ के चरणों में समर्पित हो जाए और हम निर्मल हो जाए, पावन हो जाए और कृतार्थ हो जाए। बहुत बड़े बंधन में है और इन सब बंधनों को तोड़ने माँ भगवती की कथा आई है।